तो आज हम करेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रल में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ये 4 मार्क्स के आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो चलिए फिर आज की क्लास शुरू कर लेते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है 10 inverse 1 minus sin x। टेन इनवर्स स्क्वायर रूट के अंदर 1 minus sin x और 1 plus sin x और dx। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने यहां पे लिख लिया है, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले लेट i इक्वल्स टू 10 inverse 1 minus sin x 1 plus sin x और dx। नाउ 10 इनवर्स इसको मैं लिख सकता हूं cos स्क्वायर x बाय 2 प्लस sin स्क्वायर x बाय 2 माइनस 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2, ठीक है बेटा जी। ऐसे ही मैं नीचे लिख लेता हूं cos स्क्वायर x बाय 2 प्लस sin स्क्वायर x बाय 2 प्लस 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2 dx, ठीक है। सिंपल, मैंने 1 की जगह पर इनको पुट किया है और sin x और sin x की जगह पर मैंने 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2 sin 2x का जो आइडेंटिटी होती है ना वो लगा ली, ठीक है। नाउ अब ये आ जाएगा मेरा 10 इनवर्स। अगर मैं स्क्वायर रूट के अंदर देखूं तो ये मेरी आइडेंटिटी बनती है cos x बाय 2 माइनस sin x बाय 2 की। ऐसे ही नीचे बनती है cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2 की होल स्क्वायर, ठीक है। जब मैं इनकी होल स्क्वायर को हटाऊंगा तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे, तो यह आ जाएगा भाई आपका 10 इनवर्स और ये आ जाएगा cos x बाय 2 माइनस sin x बाय 2 cos x बाय 2, ठीक है जी। यहां तक ये आ चुका है। अब अगर इसको थोड़ा सा हम ध्यान से देखें, अगर इस सारे सेक्शन को ये कोई आइडेंटिटी आपकी बन रही हो तो ध्यान करिए, ये कोई आइडेंटिटी बनती है, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 minus 10 x by 2 और 1 plus 10 x by 2। मैंने क्या काम किया, सभी को sin x by 2 से डिवाइड कर दिया, बहुत ही सिंपल है, कोई इशू तो नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ये किसकी आइडेंटिटी बनती है, कुछ याद है? ये बनेगी हमारी 10 इनवर्स 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 की आइडेंटिटी बनती है। तो ये हमारा आ जाएगा क्या, पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 डीएक्स। ये आ जाएगा क्या, पाई बाय 4 एक्स माइनस, और ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस सी। क्लियर है, इजी था। आप इसको एक तरीके से और भी कर सकते हो। अगर मान के चलो आपका दिमाग यहां पे काम नहीं कर रहा है और कंडीशन ये आ रही है 1 minus sin x 1 plus sin x, तो यहां पर आप इसको रेशनलाइज करके भी कर सकते हो, ठीक है ना। रेशनलाइज करके भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ओके। तो आप उस तरीके से भी कर सकते, डन, नोट डाउन। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर रूट के अंदर एक्स की पावर 4 माइनस 1 और डीएक्स, ठीक है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, लेट आई इक्वल्स टू एक्स, और क्या मैं इसको लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर माइनस 1, फिलहाल के लिए चाहो तो आप इसे भी लिख 1 की स्क्वायर कर सकते हो। अब हमने पुट किया एक्स स्क्वायर को, क्या पुट कर रहे हैं हम, टी, तो आ जाएगा 2x dx इक्वल्स टू dt। अगर इसके अकॉर्डिंग देखूं तो x dx क्या हो जाएगा, 1 बाय 2 dt।
तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 1/2, और अगर इसके अकॉर्डिंग मैं देखता हूँ तो ये मेरा क्या बनता है, ये बन जाएगा मेरा टी स्क्वायर माइनस वन की स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू है, आसानी से समझ में आ रहा है? ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, आइडेंटिटी लगाएंगे। आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट के अंदर अगर हो तो वो क्या होता है, तो वो हमारा हो जाएगा 1/2। तो इस कंडीशन में वो आ जाएगा क्या, टी बाय टू और स्क्वायर रूट के अंदर टी स्क्वायर माइनस वन और माइनस 1/2 लॉग टी माइनस और टी स्क्वायर माइनस वन प्लस सी। यही है, ये आइडेंटिटी है, डन है। अच्छा, अब क्या करेंगे हम, टी की जगह हम क्या पुट करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व। तो 1/2 ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू, ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस वन, 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 माइनस वन और प्लस सी। इजी था, कोई दिक्कत, समझ में आया, नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय एक्स और डी एक्स, लेट आई इक्वल्स टू, और ये हमारा हो गया वही एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय एक्स। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, कोई कंडीशन बन रही है आपके हिसाब से, आपको लग रहा हो कि हाँ भैया ये कंडीशन हमारे पास बन रही है। हम या तो इसमें क्या कर सकते हैं कि भाई इस एक्स को अंदर लेके जाए, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा वन प्लस ए भाई ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और उसकी सीधी सीधी सी आइडेंटिटी लग सकती है। हमारे पास आइडेंटिटी, कोई आइडेंटिटी है हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर भाई? ठीक है, एक तो वो कंडीशन है, लेकिन उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो ए है ये हटाना पड़ेगा, पहले ए स्क्वायर हटाना पड़ेगा। ठीक है, हट सकता है पक्का? चलो कैसे हटाएंगे देख लो। सबसे पहला काम हम क्या कर लेते हैं, हम इसको लिख लेते हैं भाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, डन। इसके बाद हमारे पास कंडीशन आ जाएगी क्या, ये आ जाएगी वन प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, डन। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, नाउ हम यहां से अगर मैं ए स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो मुझे इसके नीचे वन अपॉन ए स्क्वायर करना पड़ेगा, मजबूरी है मेरी। ठीक है, चलिए तो इसको, यानी बाहर तो आ जाएगा वन अपॉन ए और ये आ जाएगा वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर और डी एक्स, तो वन बाई ए बेटा, हाँ हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ए स्क्वायर रूट से बाहर ए आएगा, नहीं तो ए आएगा, बिल्कुल ए आएगा, वो यहां वन अपॉन ए स्क्वायर था ना, तो उसके से वन अपॉन ए। ठीक है, नाउ अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, वन अपॉन ए की होल स्क्वायर और वन अपॉन एक्स की होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, चाहो तो अगर आपको ज्यादा भाई दिक्कत परेशानी ना हो तो आप इसको नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं, हो जाएगा। ठीक है, अब बात यह आती है कि इसमें एक छोटी सी दिक्कत है। अब दिक्कत क्या है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ज्यादातर बच्चे जब इस क्वेश्चन को करते हैं ना तो पहला उनका दिमाग यही लगता है। ठीक है, अब दिक्कत क्या है देखो, दिक्कत यह है कि अगर मैं यहां पर वन अपॉन एक्स को टी पुट करूं, ये दिक्कत मैंने अभी तक इसलिए नहीं बोला, आपके अनुसार इसलिए करा क्योंकि ताकि आपको यह पता चले कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहां आई। ठीक है, अब प्रॉब्लम कहां आई, अब देखो वन अपॉन एक्स को अगर मैं टी पुट करता हूं तो मेरा क्या आएगा चेंज, अगर मैं इसको देखूं तो वही हो गया एक्स की पावर माइनस वन, एक तरह से यह आ जाएगा माइनस और एक्स की पावर क्या आ जाएगा माइनस टू, और ये डी एक्स और ये डी टी, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखना ये हमारे उस क्राइटेरिया को ट्रू ही नहीं कर रहा, जबकि हमारे पास कंडीशन क्या होती है, यहां पर होता है ए स्क्वायर
प्लस एक्स स्क्वायर, इसका तो कोई इशू है ही नहीं हमें, लेकिन यहां पर x होता है, वन अपॉन x नहीं होता, क्या होता है x, समझ में आई बात। तो जब यहां पर क्या होता है x होता है, तो उसके वजह से क्या, अगर आप एक्स स्क्वायर में x को बाई टी भी पुट करो तो x का क्या आएगा बाई डी एक्स डी टी, कोई दिक्कत तो नहीं होती ना। लेकिन यहां पर अगर मैं इसको टी पुट कर रहा हूं तो देखो ये चेंज हो रहा है, इसका मतलब हमने जो तरीका इसमें अपनाया है ये इससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। जब भी आप क्वेश्चन करते हैं तो नॉर्मली जब भी कोई भी इस क्वेश्चन को देखता है तो वो यही सोचता है कि इसको ऐसे करना है, ठीक है, फिर इसका आंसर लिख देता है यहां पे आगे आके और फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है, फिर कहता है भाई मैंने तो सही किया था, टीचर ने क्यों गलत काट दिया। ओके, तो यहां पर इसको ऐसे नहीं करना है, तो करना कैसे है वो देखिए। ओके, चलो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, रूट के अंदर जो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और नीचे हो जाएगा एक्स और रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है बेटा। नाउ अब हम क्या करेंगे, हम इनको अलग अलग करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है बेटा जी, कोई दिक्कत। अब हम इनको लेट कर लेते हैं, लेट आई वन इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और आई टू इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन में एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है बेटा जी। अब हम इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे, डन। चलिए पहले I1 को देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा x एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। अगर मैं इसको टी पुट करूं इसको, तो मेरा जो डिफरेंशिएशन आएगा वो 2x आएगा, तो मैंने क्या काम किया, 1 बाई टू से यहां ये 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और सिंपल मैंने यहां पर पुट किया, पुट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू टी, ये आ जाएगा 2x डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, सो डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाय टू, ठीक है ना, या नहीं नहीं से, हाँ ऐसे ही ठीक है, ऐसे ही काम हो जाएगा, इतना ठीक है हमारा। तो आई वन हमारा क्या आ गया, वन बाय टू डी टी और स्क्वायर रूट के अंदर टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, हाँ हाँ बिल्कुल 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 सही बात है, बिल्कुल जा बिल्कुल बिल्कुल भाई, रूट टी आएगा, यानी ये हमारे एक तरह से आ गया टी की पावर माइनस वन बाई टू और डी टी। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई, प्लस वन और नीचे एन प्लस वन, यानी ये आ जाएगा एक तरह से टू रूट टी और प्लस सी, सी वन लिख देते, टू से टू कैंसिल, रूट टी और रूट टी का मतलब क्या हो गया, यहां तक कोई दिक्कत है, आसानी से समझ में आया। अब मुद्दा है ये, इसको कैसे करें, नहीं मुद्दा ये है इसको कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि यहां पर मैं इसको पुट करूं ऊपर वाला नहीं बन रहा है और यहां पर कोई ऐसी कंडीशन भी नहीं बन रही है, तो क्या किया जा सकता है, क्या कर सकते हैं भाई आप लोगों को, यहां तक यहां पर अगर आप फंस गए, ठीक है ना, बस इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट में कोई इशू नहीं है, सेकंड पार्ट में ही इशू आता है, और वो सेकंड पार्ट में इशू क्या आता है वो उसको अब हम देखो हम पुट करेंगे यहां पर, मैं पुट ही करूंगा, यहां पर मैं पुट कर रहा हूं एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं भाई, सिंपल है, इसका डेरिवेटिव होगा डी डी एक्स और इसका हो जाएगा ए और इसका क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा और डी थीटा, डन। चलिए पुट कर लेते हैं भाई, पुट करो क्या आएगा, आप कहोगे भैया यहां पे आ जाएगा ए sec स्क्वायर थीटा और क्योंकि ऑलरेडी ए स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, ए तो होगा, अच्छा जी देखा भैया x की जगह आ जाएगा ए tan थीटा और स्क्वायर रूट के अंदर क्या आएगा बेटा, इसकी जगह आ जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा,
प्लस ए स्क्वायर और डी थीटा। कि आप लोगों को अब ये फीलिंग आ रही होगी कि क्वेश्चन छोटा था और बड़ा हो गया, है ना, लेकिन अब ये छोटा होगा, कैसे होगा वो देखते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा आता है भाई, इस ए से अगर मैं चाहूँ तो ये एक पावर तो कैंसिल हो ही जाएगी, ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा ध्यान से देखते हैं, ए स्क्वायर अगर मैं इसमें से कॉमन लूँ और बाहर लाऊँ तो यहाँ पर फिर ए टेन थीटा हो गया, और ये बन जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, क्या बात है, ठीक है ना, सॉरी, तो ये sec थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब a से फिर ये कैंसिल हो जाएगा, तो यानी ये समथिंग कुछ ऐसा बचेगा, ऊपर sec थीटा और नीचे है, हाँ सॉरी a के आएगा, ठीक है। अब हम इसमें कुछ कर सकते हैं, कर सकते हैं, अब तो हो जाएगा, अब तो हम बहुत नजदीक आ चुके हैं। आप एक बार इसको नोट डाउन करके फिर मैं इससे आगे बताता हूं। अब यहां से आगे हमारा जो होगा I2 की अगर मैं बात करूं तो I2 मेरा क्या हो जाएगा, sec यानी 1 अपॉन cos, और sin अपॉन cos की कंडीशन अगर मैं करूं तो ये 1 अपॉन sin यानी cos sec थीटा बचेगा, यानी ये बच जाएगा cos sec थीटा और d थीटा, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log cos sec थीटा माइनस cot थीटा और प्लस c2। अब मुझे निकालना क्या था, I क्या हो गया मेरा, I1 प्लस I2, तो I1 मेरा आया था x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a log cosec थीटा माइनस cot थीटा, और प्लस में एक तरह से c1 c2, और इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा किससे, c से, तो ये मेरा हो जाएगा आंसर, क्लियर है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, इसका आंसर सॉल्यूशन निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, टेन इनवर्स एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स की होल स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स की होल स्क्वायर और डी एक्स। तो लेट आई इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स वन प्लस एक्स की होल स्क्वायर और डी एक्स। अब अगर मेरे पास ये क्वेश्चन मुझे दिखाया गया है तो मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, मेरे पास इसमें कोई ना तो आइडेंटिटी लग रही है, ना ही किसी का भाई डेरिवेटिव बन रहा है, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लग रहा, पार्शियल फ्रैक्शन कुछ भी नहीं लग पा रहा है। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकेंड, यानी हमने इसको समथिंग अगर मैं इसको चाहूँ तो ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट फंक्शन और ये मेरा सेकेंड, ठीक है। तब जब अगर मैं इसको ऐसे लेके चलूं तो क्या बनेगा, ये इसमें बाय पार्ट ले लेंगे, ठीक है ना, बाय पार्ट यूज करेंगे तो क्या बनेगा भाई, टेन इनवर्स एक्स, इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस क्या जाएगा, माइनस और वन प्लस एक्स स्क्वायर एन प्लस वन जाएगा ना, यानी वन प्लस एक्स की पावर माइनस वन, ये बन जाएगा, है ना। तो इसको ऐसे ना करके माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स ये लिख लेते हैं, ठीक है भाई। अच्छा जी, फिर माइनस, फिर क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन अगेन क्या आ जाएगा, माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स और डी एक्स। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है, मैं इसको लिख लेता हूँ समथिंग दिस। नाउ इसको क्या लिखा जा सकता है, ये प्लस हो जाएगा वन अपॉन में वन प्लस एक्स और वन प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स, ये हमारा आई चल, डन। अब ये सेक्शन तो हमारा ऑलरेडी सॉल्व है, इसको सॉल्व करना है तो इसको आई वन लेके सॉल्व कर लेते हैं, किस क्या यूज करेंगे इसमें, और हम पार्शियल फ्रैक्शन, वेरी गुड। लेट आई वन इक्वल्स टू वन अपॉन वन प्लस एक्स और वन प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। तो अब ये पार्शियल फ्रैक्शन अगर हमें इसके करने हैं तो ये बनेगा वन अपॉन में वन प्लस एक्स, वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए अपॉन में वन प्लस एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी और वन प्लस एक्स स्क्वायर, डन है बेटा जी, ठीक है। चलिए कुछ हो सकता है इसका,
कर सकते हैं सॉल्व? चलो कर लेते हैं भाई, इक्वेटिंग द कॉफिशियंट, इसके जो कॉफिशियंट्स हैं उनको इक्वल करने का प्रयास करते हैं। तो आ जाएगा क्या, वन इक्वल्स टू ए वन प्लस एक्स स्क्वायर और बी एक्स प्लस सी, और ये किसके से हो जाएगा, वन प्लस एक्स, तो हो जाएगा ए प्लस ए एक्स स्क्वायर और बी एक्स प्लस सी और बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। तो यानी अगर मैं इसको इसको लूँ तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी एक्स स्क्वायर, फिर इसको इसको लूँ तो बी प्लस सी एक्स और ए प्लस सी, यहाँ पर है हमारा वन। जब मैं इसके कॉफिशियंट को इक्वल करूँगा तो मेरा आ जाएगा ए प्लस बी इक्वस टू ज़ीरो, बी प्लस सी इक्वस टू ज़ीरो और ए प्लस सी इक्वस टू वन। यहाँ तक कोई इशू नहीं है। यानी अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ए इज इक्वस टू माइनस बी और सी इज इक्वस टू माइनस बी, और इन दोनों को अगर मैं इसमें बाई पुट कर दूँ तो आ जाएगा माइनस बी इक्वस टू वन, तो माइनस टू बी इक्वस टू वन, सो बी इज इक्वस टू माइनस वन बाई टू। अगर ये है तो ए क्या होगा और सी क्या होगा, क्या कोई दिक्कत है, बिल्कुल क्लियर कट है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा, कर सकते हैं हम अब इसका इंटीग्रेशन, पक्का डन है, ठीक है। एक बार लिख लेते हैं, तो आई वन सबसे पहले क्या आएगा मेरा इस कंडीशन में, बताइए, वन बाई टू और वन अपॉन वन प्लस एक्स और डी एक्स। फिर आ जाते हैं क्या है हमारा यहाँ पर, अगर इसके अकॉर्डिंग देखें भाई, बी एक्स के नीचे आएगा फिर सी के नीचे, तो बी एक्स का बी की वैल्यू क्या निकल के आएगी मेरी, माइनस वन बाई टू है ना, तो माइनस वन बाई टू एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। सी की वैल्यू क्या है, वन बाई टू, यानी प्लस वन बाई टू वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पर देखें तो सिंपल क्या बन रहा है, लॉग वन प्लस एक्स। यहाँ पर ये है ना, अगर ध्यान से देखें इसको, वन प्लस एक्स स्क्वायर को अगर मैं टी पुट करता हूँ तो क्या बन जाएगा, टू एक्स डी एक्स हो जाएगा ये भी सोल्व, ठीक है ना। और वो तो सिंपल टेन इनवर्स एक्स क्या बनी रही है आइडेंटिटी, ठीक है ना। तो तीनों आराम से सॉल्व हो रहे हैं, कर पाओगे, ठीक है, चलो नोट डाउन करो। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब अगर इस क्वेश्चन को देखें तो ये भी हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरह हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन हम इसे लास्ट क्वेश्चन की तरह क्या कर सकते हैं, क्या हम इसे अपने लास्ट क्वेश्चन की तरह कर सकते हैं, चलो ट्राई करते हैं, और अगर नहीं होगा तो फिर कुछ और लगाएंगे, ठीक है, ट्राई तो करना चाहिए ना। चलो तो सबसे पहले लेट आई इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये आ जाएगा हमारा साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स की पावर माइनस टू डी एक्स। बाय पार्ट लगा लेते हैं, तो बाय पार्ट के अकॉर्डिंग भाई साइन इनवर्स एक्स और ये क्या आ जाएगा, प्लस वन करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा, डन है, हाँ सॉरी माइनस वन बाय एक्स आएगा, बिल्कुल आएगा भाई, ये आ जाएगा, अच्छा जी। फिर इसका इंटीग्रेशन आए सॉरी इसका डेरिवेटिव होगा, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, क्या होता है बताओ, क्या होता है साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, यानी अगर आप इसको करते हो तो ये बन रहा है वन अपॉन में, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग करूं वन माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका जो इंटीग्रेशन है वो तो फिर दोबारा से ही आएगा, ठीक है, डन। अब फिर फंस जाएंगे हम, नहीं फंस गए है ना, फंस गए ना, यानी इसको मैं लेके चला तो यहां तक तो सब कुछ अच्छा लग रहा था, फीलिंग गुड आ रही थी, लेकिन यहां पर आकर मैं स्कूप में फंस गया, तो यानी इस क्वेश्चन को हम ऐसे नहीं कर पाएंगे सॉल्व। चलिए कुछ और, यानी दिमागदारी कुछ और लगाओ, क्या लगाएं,
चलिए पहले इस इनवर्स को हटाते हैं क्योंकि तो इनवर्स हमें परेशान करेगा, इनवर्स को हटाने का प्रयास करते हैं। तो पुट एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा, यानी एक्स को साइन थीटा पुट कर लो, डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, डी एक्स क्या जाएगा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा और डी थीटा। अब चलिए इसको लिखें तो क्या लिखेंगे भैया, साइन इनवर्स जो एक्स है वो क्या हो जाएगा भाई, सिंपल सा आप लिखोगे साइन इनवर्स एक्स की जगह लिख दोगे साइन थीटा और फिर इनटू और डी थीटा अपॉन में एक्स स्क्वायर की जगह क्या आएगा साइन स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, ठीक है। अब ये तो हो जाएगा भाई थीटा इनटू कॉस थीटा और डी थीटा और अपॉन में, कोई दिक्कत, इजी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, अब आगे हमारा आ रहा है आई इक्वल्स टू थीटा और इसको लिख लेते हैं हम कोसेक थीटा और इनटू कॉट थीटा और डी थीटा, ठीक है। कि अब आप लोगों को ये फीलिंग आ रही होगी भैया ये तो और बड़ा हो गया, पहले तो दो ही टर्म थी अब तो तीन हो गई, एक दो तीन, ठीक है ना, फीलिंग यही आती है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे होगा, सबसे पहले हम इसमें बाय पार्ट ही यूज करेंगे और ये हमारा फर्स्ट फंक्शन कहलाएगा और ये हमारा सेकंड फंक्शन, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या आएगा थीटा और इसका क्या आएगा इंटीग्रेशन कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस फिर थीटा का डेरिवेटिव, थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा वन, वेरी गुड। तो और इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, अब कोसेक थीटा और कॉट थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या होगा माइनस है, केवल माइनस कोसेक थीटा होता है, ठीक है भाई। और यहां पर क्या जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं इसकी जगह माइनस कोसेक थीटा और ये हो जाएगा प्लस और फिर अगेन क्या जाएगा कोसेक थीटा डी थीटा, डन है बेटा जी। अच्छा अब कोसेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो इसको लिख देंगे माइनस में और ये कोसेक थीटा प्लस लॉग भाई कोसेक थीटा और माइनस, लेकिन अभी यहीं तक कंप्लीट थोड़ा हुआ, रीजन क्या है, ये भाई साहब भी तो है ना, तो इसको क्या कर लेते हैं, पहले इसको है ना ये सेक्शन है इसको थोड़ा सा बदलाव करूंगा मैं, माइनस थीटा और इसको क्या लिख लेता हूं साइन थीटा, है ना, डन, ऐसे इसको करूंगा, इसको क्या कर सकते हैं कुछ है कुछ, कॉट थीटा को कॉट थीटा को लिख सकता हूं मैं क्या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, डन। तो थीटा की जगह तो क्या आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स और साइन थीटा का मतलब क्या हो गया डन प्लस लॉग वन अपॉन साइन थीटा का मतलब एक्स माइनस इसको मैं लिख सकता हूं क्या वन अपॉन साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन और यहां पर क्या आ जाएगा प्लस सी, ठीक है, डन हो गया क्वेश्चन सॉल्व, इजी था, नॉट डाउट।